एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने फूड में। तो ये आप देख रहे हैं तेज पत्ते का पौधा, ये मैंने अपने घर में गमले में लगाया हुआ तेज पत्ते का पौधा है। तो बहुत लोग इसको घर में इसलिए नहीं लगाते कि उनको लगता है कि बड़ा पेड़ होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। और ये मेरा 2 साल पुराना पौधा है और अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल से मुझे बाहर से तेज पत्ते खरीदने की जरूरत बिल्कुल महसूस नहीं हुई है। तो आप आराम से इसको घर में लगा सकते हैं। अब मैं बताऊंगी इसके बेनिफिट क्या है। देखिये, पहली तो चीज सब आपको पता है कि इसकी एरोमा बहुत अच्छी होती है, इसलिए इंडियन फूड में तो ये एसेंशियली यूज होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो पत्तियां होती है वो विटामिन ए और विटामिन सी रिच होती है, साथ में उसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है बहुत मात्रा में, तो ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तीसरा ये है कि कुछ रिसर्चेस ऐसे शो करती हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ट के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली जो तेज पत्ते में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आपके हार्ट में जो बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल होता है उसको एलिमिनेट करने का काम करते हैं, तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जैसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट से एलिमिनेट होता है तो आपके हार्ट की जो हार्ट का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाता है। फोर्थ जो है ये स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है। अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो आप इसकी चाय बना के पीजिए, ग्रीन टी, हर्बल टी, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद ये है कि अगर आप ये भी है कि चूंकि ये कोलेस्ट्रॉल पे बहुत ज्यादा कारगर है, इसलिए अगर जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो वो लोग रेगुलर इसका यूज करें। तो इससे ये देखा गया है कि उनके शुगर के लेवल में जो है वो ड्रॉप आता है काफी, मतलब उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रखने का काम भी तेज पत्ते का पौधा करता है। ये तो हो गई सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, एक होता है सेटिस्फेक्शन। देखिए, हम इसको आराम से बाहर से खरीद के ला सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, बहुत चीप होता है, बहुत चीपली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज जो आप घर में लगा के यूज करते हैं ना अपने किचन में, तो उसका सेटिस्फेक्शन बहुत अलग तरीके का होता है कि लगता है कि हमने खुद से एक पौधा लगाया और उसका हम किचन में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसका सेटिस्फेक्शन बहुत अलग तरीके का होता है। और बहुत ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए। देखिए, ये 2 साल से मेरे एक गमले में लगा हुआ है मेरा पौधा और इसका मैं यूज कर रही हूँ। तो ये आप भी अपने घर में लगाइए और इसका यूज कीजिए। और एक और टिप्स आपको देना चाहूंगी, अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है तो आप 2-4 पत्ते इसके ले लीजिए और साथ में दालचीनी का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको उबाल के गरम गरम पीजिए, वो आपके पेट की चर्बी गलाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।